क्या आप जानते हैं कि पहले तमाम बड़े आजम यानी कॉन्टिनेंट्स सुपर कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल थे, फिर सुपर कॉन्टिनेंट्स के टूटने से तमाम कॉन्टिनेंट्स बने। 20वीं सदी के शुरू में एक मेटीरियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के साहलों के दरमियान हैरत अंगेज सिमिलैरिटीज देखी, जिसकी बिना पर उसने एक नई मुतनाजा थ्योरी पेश करते हुए कहा कि शायद ये कॉन्टिनेंट्स और बहुत से दूसरे कॉन्टिनेंट्स कभी एक ही बड़े लैंड मास में जुड़े हुए थे। मगर वेगनर की इस थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि तमाम कॉन्टिनेंट्स हजारों साल तक मुस्तहकिम यानी स्टेडी रहे, जिसकी बदौलत ज्यादातर साइंटिस्ट को कायल करने में तकरीबन 50 साल लगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे 8 कॉन्टिनेंट्स वजूद में आए। जी हाँ, 7 नहीं 8। बाय द वे, 8वें कॉन्टिनेंट की वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन चेक इट आउट। तो आज तक का लेटेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, मगर ये आखिरी हरगिज नहीं है। जी हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने हमारी जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में नई थ्योरी की बुनियाद रखी, जिसके मुताबिक जमीन की क्रस्ट वसी और धुंधली प्लेटों से बनी है जो जुज़वी तौर पर पिघली हुई चट्टानों की एक तह पर मुश्तमिल है, जिसे मेंटल कहा जाता है। ये प्लेटें हर साल सिर्फ 2.5 से 10 सेंटीमीटर तक हरकत करती हैं, लेकिन ये बढ़ती हुई हरकतें हमारे सियारे की सतह को शक्ल देती हैं। इट मींस कि ये अंदाजा करने के लिए कि एक नया बड़े आजम कब उभरेगा, हमें ये पेशन गोई करने की जरूरत है कि प्लेट्स कहाँ जा रही हैं। तो साइंटिस्ट रुके नहीं, बल्कि इस मिशन के तहत उन्होंने ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि माजी में प्लेट्स की हरकत कैसी रही हैं। सिर्फ यही नहीं, जियोलॉजिस्ट ने जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को मापकर कॉन्टिनेंट्स के माजी में पोजीशन का अंदाजा लगाने की भी कोशिश की है। मगर इस मेथड से कुछ मसाइल भी दरपेश रहे, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड हमें प्लेट्स का एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं बता पाती। इससे भी बदतर ये कि जब चट्टाने कॉन्टिनेंटल क्लियन या वोल्केनिक एरप्शंस के नतीजे में गर्म हो जाती हैं, तो सारा मैग्नेटिक डेटा मिट जाता है। तो फिर कैसे कॉन्टिनेंट्स की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाया गया? लेट्स फाइंड आउट ऑल द आंसर्स, बट बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। तो टेक्टोनिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंट्स के माजी में पोजीशन जानने के लिए जो पहला काम किया जा सकता है वो फॉसिल्स को कंपेयर करना है। एक्चुअली किसी भी इलाके के फॉसिल की डेटिंग करने से और फिर इसे आलमी फॉसिल रिकॉर्ड से कंपेयर करने से पहले से जुड़े हुए इलाकों की शनाख्त में मदद मिलती है। इसके अलावा हमारी जमीन में मौजूद क्रैक्स और दीगर खराबियां भी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में अहम मालूमात फराहम करती हैं। इन्हीं दो अहम टूल्स का इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट ने प्लेट्स की हरकत के सैकड़ों मिलियन सालों के पैटर्न का अंदाजा लगाया, और इस पैटर्न को विल्सन साइकिल का नाम दिया जाता है, जो हमें बताता है कि कैसे कॉन्टिनेंट्स अलग होते हैं और फिर इकट्ठे हो जाते हैं। यही नहीं, साइंटिस्ट ने पेशन गोई की कि अगला सुपर कॉन्टिनेंट 50 से 250 मिलियन साल बाद बनेगा, लेकिन इसकी एग्जैक्ट शेप और साइज का अंदाजा लगाना अभी भी एक मिस्ट्री है, और हो सकता है ये हमारी कौमी सरहदों तक को तब्दील कर सके। जैसा कि माजी में प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से माहौलियाती तब्दीलियां रोनुमा हुई थी, जब तकरीबन 750 मिलियन सालों पहले रूडीनिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटा तो बड़ी जमीनी आबादी मौसम की शदीद खराबी का शिकार हुई, यहाँ तक कि हमारा प्लेनेट बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से स्नोबॉल अर्थ पीरियड में चला गया, फिर दोबारा नॉर्मल मिकदार हासिल करने में तकरीबन 4 से 6 मिलियन साल लगे। मगर अब की बार जब अगला सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा तो प्लेट्स के शिफ्ट होने और कॉन्टिनेंट्स के टकराने के नतीजे में अर्थ क्रस्ट में बहुत बड़े क्रैक्स बन सकते हैं, जो मजीद टूट फूट का बायस बन सकते हैं। सिर्फ क्रैक्स नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा कार्बन और मिथेन भी खारिज होगी, जो कि बायस बनेगी ग्रीन हाउस इफेक्ट की, जो नाकाबिले यकीन हद तक जमीन को गर्म करके तबाही फैला सकती है। मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए कम से कम 50 मिलियन साल दरकार है। आप आज हमें बताएं 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन।
मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लीविंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।